नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो जी कैम के ऊपर है, गूगल कैम, वेदर द जी कैम वर्क्स ऑन द M51 और नॉट। काफ़ी लोगों का सवाल था कि सर क्या जी कैम M51 में चलेगा, एंड शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दैट इज यस। जी कैम का कौन सा वर्जन जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ M51 में, वो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और लिंक को क्लिक करके जी कैम डाउनलोड करके अपने M51 में आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ तस्वीरें मैंने ली हैं M51 से जी कैम के थ्रू, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज थोड़े बहुत डिफरेंसेस मुझे लगे हैं जो एक्चुअल कैमरा ऐप आता है सैमसंग का उसमें और जी कैम में। इमेज क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस है और ओवरऑल फ्रेमिंग में काफ़ी डिफरेंस है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को व्हाट डू आई एक्चुअली मीन। सो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा ये नाइट शॉट, जो कि इज़ रियली रियली समथिंग विच आई रियली एम ब्लोन अवे विथ, बिकॉज जो डिटेल्स हैं जी कैम में वो बहुत अच्छी हैं और ओवरऑल जो फ़ोटो की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है जी कैम में। ये गूगल कैम से ली हुई है एंड दिस वन इज़ फ्रॉम द सैमसंग ऐप। तो आप देख सकते हैं कि सैमसंग का जो अपना ऐप है वो नाइट मोड में काफ़ी ज़्यादा जूम इन या क्रॉप इन कर लेता है फोटोग्राफ को। ये अगेन देखिए जी कैम में काफ़ी वाइड एंगल शॉट है, और ये जो है जब मैं नाइट मोड सैमसंग के कैमरा का यूज़ करता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉप इन या जूम इन कर लेता है। मैंने कोई एंगल्स चेंज नहीं किए हैं, मैंने लेंसेज चेंज नहीं किए हैं, जहाँ पर मैं बैठा हुआ था वहीं से जो है ये गूगल कैम का इमेज है, ये जो है नॉर्मल आपका इमेज है विथ द सैमसंग का ऐप का कैमरा। तो ये डिफरेंस है नाइट मोड में। एक और नाइट मोड का शॉट है, मैं दिखा देता हूँ आपको कि डिफरेंस क्या है। दिस इज़ अगेन अ जी कैम नाइट मोड पिक्चर, जो कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिटेल्ड है और मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई है। और ये है सैमसंग के ऐप का नाइट मोड की इमेज, जो कि आप देख सकते हैं जूम इन कर लेता है सैमसंग, थोड़ा सा क्रॉप इन करके जूम कर लेता है। अब वो ख़राब है कि अच्छा है, दैट इज़ योर चॉइस पर्सनली, बट मुझे अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे जी कैम का जो वर्जन है वो ज़्यादा पसंद आ रहा है। नॉट ओनली द डिटेल्स या जो कलर रिप्रोडक्शन है वो, बट ऑल्सो द फ्रेमिंग ऑफ द जी कैम इमेजेस आर वे बेटर दैन वॉट द सैमसंग प्रोड्यूसेस। ये मैं तीसरी फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको, नाइट मोड में कॉफ़ी की फ़ोटो खींची हुई है और ये पोर्ट्रेट मोड में नहीं है। ऑल दो पीछे आपको ब्लर दिख जाएगा, बट दिस इज़ फ्रॉम द नाइट मोड इट्सेल्फ। ये है जी कैम की फ़ोटो और ये है सैमसंग की फ़ोटो। तो आप देख सकते हैं कि सैमसंग का फ़ोटो जो है काफ़ी क्रॉप इन कर लेता है। मेरी फ्रेमिंग सेम जगह से है जहाँ से मैं नॉर्मली फ़ोटो ले रहा था इस वाले कॉफ़ी की, और ये सैमसंग का जो ऐप है वो क्रॉप इन करके फ़ोटोज़ लेता है। तो दैट इज़ समथिंग विच यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन अगर आपको जी कैम यूज़ करना है, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। जैसा मैंने बताया, मुझे जी कैम की फ्रेमिंग ज़्यादा पसंद आई है। ऑल्सो अगर मैं डिटेल्स की बातें करूँ तो डिटेल भी जो है जी कैम में काफ़ी अच्छी आ जाती है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नाइट मोड शॉट, आपको ग्रेन्स नहीं मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि सैमसंग के फ़ोटोज़ में ग्रेन्स हैं, सैमसंग का फ़ोटो भी बहुत अच्छी शार्प है, बट पर्सनली मुझे जी कैम के इमेजेस की क्वालिटी ज़्यादा पसंद आ रही है। ये है जी कैम का अगेन पोर्ट्रेट मोड में, और काफ़ी अच्छा बोके, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट डिटेक्शन है जी कैम का। ओवरऑल अगर मैं जूम इन करके भी दिखाऊं आपको तो ओवरऑल डिटेल्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, और डिटेल्स के बावजूद अगर आप बोके देखें पीछे बैकग्राउंड ब्लर, वो भी जो है काफ़ी अच्छा आया है जी कैम के पोर्ट्रेट मोड के थ्रू। यही शॉट अगर मैं आपको दिखाऊं फ्रॉम द सैमसंग का फ़ोन ऐप, आप देखेंगे कि सब्जेक्ट डिटेक्शन इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। ग्लास का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ब्लरी हो चुका है, जबकि जी कैम के ऊपर वाले हिस्से में, ग्लास के ऊपर वाले हिस्से में ब्लर नहीं हुआ है। सो दैट प्रूव्स दैट द जी कैम एल्गोरिदम इज़ प्रॉबली वर्किंग बेटर व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्ट डिटेक्शन, व्हेन इट कम्स टू द बोके वाला पार्ट। ऑफकोर्स बैकग्राउंड ब्लर दोनों का इक्वल है, ऑल द मुझे लगता है ओवरऑल शार्पनेस और ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट और पंचीनेस में द जी कैम इज़ बेटर।
ये भी जो है जी कैम के इमेजेस हैं, दो तीन इमेजेस जो हैं जी कैम के हैं, काफ़ी अच्छी काफ़ी डिटेल्ड इमेजेस हैं। मुझे इनमें कोई ग्रेन्स या मुझे इनमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। स्पेशली द नाइट मोड इमेजेस आर रियली रियली नाइस। अब ओवरऑल फील जो है जी कैम की वो बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि गूगल कैमरा इज़ परफॉर्मिंग अ वेरी वेरी गुड जॉब। तो आपने देखा कि जी कैम अगर आप यूज़ करना चाहें M51 में तो बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी है, चाहे वो नाइट मोड हो, चाहे वो बोके मोड हो जैसा कि हम पोर्ट्रेट मोड कहते हैं, या नॉर्मल मोड हो। कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, विविडनेस, पंचीनेस, सब कुछ जी कैम का थोड़ा सा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग का अपना कैमरा ऐप। मुझे एटलीस्ट ऐसा लगा थ्रू माई आइज़। मैं सालों से जो है फोटोग्राफी कर रहा हूँ और सालों से काफ़ी फ़ोन्स और काफ़ी कैमरास के पिक्चर्स मैं देखता रहता हूँ, तो आई थिंक माई आइज़ आर ट्रेंड एनफ टू अंडरस्टैंड कौन सा इमेज बेहतर है, कौन सा इमेज सब पार है। अब ये नहीं कहूँगा कि सैमसंग के इमेजेस ख़राब हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया डिटेल्ड इमेजेस हैं, बट जहाँ जी कैम की बात होती है, सबको पता है कि गूगल कैमरा इज़ राइट देयर ऑन द टॉप। तभी शायद पिक्सल के कैमरास को इतना तारीफ मिलती है आज तक। तो जी कैम के इमेजेस डेफिनेटली नाइट मोड वाला जो मैंने दिखाया काफ़ी अच्छी है, फ्रेमिंग एक ही है, जबकि सैमसंग में अगर नाइट मोड में शिफ्ट करूं तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, मेरी फ्रेमिंग चेंज हो जाती है, जूम इन कर लेता है सैमसंग का फ़ोन। क्वालिटी वाइज जी कैम्स नाइट इमेजेस आर फैंटास्टिक, जी कैम्स पोर्ट्रेट इमेजेस आर इक्वली फैबुलस, सब्जेक्ट डिटेक्शन बहुत अच्छा है, बोके की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कलर्स अच्छे हैं, कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, एग्जैक्टली जो चीज़ें मुझे अपने फ़ोन कैमरा में चाहिए वो मुझे जी कैम प्रोवाइड कर रहा है ऑन द M51। तो बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाना था। अगर आप M51 कंसिडर कर रहे हैं एंड यू आर वंडरिंग वेदर द जी कैम वर्क्स ऑन द M51 और नॉट, इट एब्सोल्युटली वर्क्स एंड एब्सोल्युटली वर्क्स फाइन। जो लिंक है नीचे कहाँ से मैंने डाउनलोड किया, कौन सा वर्जन डाउनलोड किया है, वो मैं नीचे दे दूँगा। आप जाइए डाउनलोड कीजिए और कोशिश कीजिए, आप जी कैम से ज़रूर इम्प्रेस होने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच गाइज। अगली वीडियो F41 का शायद कैमरा रिव्यू मैं करूँ, प्रॉपरली डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू। तो बने रहिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे टू स्टे कनेक्टेड। काफ़ी लोगों का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है, थैंक यू सो वेरी मच। और बाकी जिन्होंने मैसेज नहीं किया अब तक, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, मैसेज करो, लेट्स कनेक्ट देयर एज वेल। शुक्रिया आप लोगों का एक बार फिर से फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। बस ऐसे ही सपोर्ट बनाइए रखिएगा और आई थिंक आगे जाके काफ़ी अच्छा कंटेंट हम साथ में प्रोड्यूस करने वाले हैं। ऑन दैट नोट थैंक यू सो वेरी मच, मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे एक और नए वीडियो में। नमस्कार।